भारत में इस साल लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और बात चल रही है चुनावी मुद्दों की। तो आज हम बात करेंगे इस चुनाव में क्या है खास। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नई दुनिया के सीनियर जर्नलिस्ट उदय प्रताप सिंह। नमस्ते उदय जी। नमस्ते उदय जी। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस चुनाव में ना तो लहर है ना सुनामी है, तो जनता का मूड क्या है? इस चुनाव में लहर भले नहीं दिख रही है, लेकिन जनता अभी वक्त पे बताएगी, क्योंकि जनता बहुत कुछ बदलाव, पिछले चुनाव में भी जो बदलाव लाया था जनता ने, क्योंकि मोदी की सरकार आई थी तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, लेकिन इस बार इस चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि मुद्दे अलग हैं, रोजगार कृषि जैसे कई मुद्दे हैं। तो इस वजह से कोई मोदी को ही कोई वोट नहीं देगा या सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, विकास का मुद्दा भी मायने रखता है। तो अगर विकास की बात करें, अगर मुद्दों की बात करें, अभी तक चार चरण के चुनाव हो चुके हैं, इन चार चरणों के चुनाव के बाद स्थिति क्या नज़र आती है? चार चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें हमने देख रहे हैं कि कई जगह तो वोट बैंक वोटिंग ज़्यादा हुई है, तो जब भी ज़्यादा वोटिंग होती है मोदी सरकार को फ़ायदा होता है, बीजेपी को फ़ायदा होता है, अपन मोदी ना कहें बीजेपी सरकार को फ़ायदा होता है। लेकिन कहीं कम वोटिंग हुई है तो जिन इलाकों में कम वोटिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं दिख रही है कि लोगों में नाराज़गी है, मौजूदा सरकार के प्रति नाराजगी है। तो ऐसे में जहां वोटिंग कम हुई है वहां मौजूदा सरकार को नुकसान होगा और विरोधियों को फायदा होगा। और जहां वोटिंग ज़्यादा होगी वहां मौजूदा सरकार को फायदा होगा। तो अभी आने वाले चुनाव कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है इस बार आपके हिसाब से। इस बार बीजेपी ने एक नया मुद्दा उठाया है, वापस से नया तो नहीं कहेंगे क्योंकि सोनिया गांधी के समय भी ये मुद्दा उठा था, राष्ट्रीयता, राहुल गांधी की राष्ट्रीयता पर सवाल खड़े किए हैं। क्या आपको लगता है कि जनता पर इसका कोई असर पड़ेगा? जनता पर राहुल गांधी की राष्ट्रीयता का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी बाय बर्थ इंडियन है और पिछले जिस तरह वो राजनीति में सक्रिय हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें अपनाया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी की राष्ट्रीयता इस कोई बड़ा मायने रखेगी। बीजेपी ये सोचती है कि जिस तरह सोनिया गांधी को उन्होंने उस समय राष्ट्रीयता के मुद्दे पर साइड किया था, तो हो सकता है कि इस मुद्दे को भुना के वो राहुल गांधी को साइड कर दें, जबकि ऐसा होना नहीं है। राहुल गांधी को लोग अपनाते हैं, लोग मान रहे हैं, यही वजह है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें राहुल गांधी चेहरा रहा सामने, इस वजह से ही कांग्रेस को बढ़त मिली, अच्छी सफलता मिली। अगर बीजेपी वर्सेस महागठबंधन की बात की जाए इस बार तो क्या लगता है? बीजेपी वर्सेस महागठबंधन तो बन ही नहीं पाया। महागठबंधन तब बनता जब ममता और अदर जो पॉलिटिकल लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आते, लाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं आ पाए, तो इसलिए कांग्रेस अपने स्तर पर लड़ रही है, मायावती और अखिलेश अपने स्तर पर लड़ रहे हैं और ममता अपने स्तर पर लड़ रही है। अगर ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते तो असर पड़ता। हाँ, महागठबंधन तब मायने रखेगा जब यदि मोदी सरकार कम वोट मिलते हैं उनको और उनको कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, तब उस समय इनको दिक्कत देगा महागठबंधन, तब ये लोग एक साथ सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये इसका उदाहरण है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि छोटे कम दूरी अंतर से और उस समय महागठबंधन जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अदर पार्टियों ने सपोर्ट किया कांग्रेस को, इसलिए वो सरकार बना पाई। आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया उदय जी, तो मेरे दिमाग में वापस से अभी दो दिन से ये चर्चा चल रही है कि मायावती ने धमकी दी है कमलनाथ को कि वो अपना सपोर्ट वापस ले सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, मध्य प्रदेश की सरकार फिर गिर जाएगी? तो ये महागठबंधन अगर सरकार केंद्र में भी आई तो इसका भी कितना वर्चस्व होगा? आज सबसे ज़्यादा कांग्रेस और अदर पार्टियों को अपना अस्तित्व साबित कर फिर से सत्ता में आने की है। ये लंबे समय से समझ रहे हैं कि जिस हिसाब से बीजेपी ने पिछले 5-7 वर्षों में अपना नाम बनाया है उससे इनको दिक्कत बढ़ रही है, तो इनको अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर तो आना ही होगा। लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पर तब आएंगे जब इन लोगों के हित एक साथ एक हो पाएंगे। लेकिन हित कैसे एक हो पाएंगे, सभी पार्टी की नींव में कुछ अलग अलग है। नींव अलग है लेकिन यह है कि सत्ता में आने का उसका फायदा अलग होता है, तो लंबे समय तक सत्ता से दूरी इनको मुश्किल से रह पाए। कांग्रेस भी नहीं रह सकती है, कांग्रेस भी अभी अभी सत्ता से दूर हुई है, तो कांग्रेस किसी भी हालत में चाहती है कि जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं हम कमबैक करें। तो कमबैक करने की स्थिति इस बार थोड़ी है भी, क्योंकि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए इस बार वापस से सत्ता पाना मुश्किल होगा? नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कुछ चीज़ें इस तरह से की हैं जिसका एक जनमानस पे असर पड़ा है, फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या अन्य नोटबंदी हो, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे, तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं युवा वोटर्स और आम लोगों पे काफ़ी असर डाल रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है किसान और रोजगार, ये
इस पे युवा और किसान जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है वो वोट इनको कम मिल रहे हैं, और इस बार भी ये कोशिश करके भुनाने के लिए कहीं इन्होंने वादे किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही मुद्दे दोनों पार्टियों को पे असर डालेंगे। अगर हम ये सब बातें करते हैं कि दोनों पार्टियों पर क्या चीज़ें असर डाल रही है, ये महागठबंधन कर रहे हैं, नए वादे बीजेपी ने भी किए हैं, पुराने वादे फिर से कांग्रेस ने भी दोहराए हैं और कुछ नई चीज़ें भी दी है। जैसे अगर बात करें, राहुल गांधी ने जो अपना पत्र बोल सकते हैं घोषणा पत्र दिया, उसमें न्याय जो किया है वो लोगों तक पहुंच भी रहा है, तो क्या ये न्याय वाकई में न्याय दिलाएगा लोगों को, या ये न्याय लेकर जाएगा सत्ता तक राहुल गांधी? जनता को न्याय तो ना बीजेपी दिलवा पाएगी ना कांग्रेस, लेकिन हर बार कुछ नई चीज़ें जनता को बताई जाती है, कोई नए थॉट्स दिए जाते हैं ताकि उसको जनता को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो कांग्रेस ने भी न्याय का जो मुद्दा दिया है, न्याय का जो उन्होंने अपना टैगलाइन दी है, वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रही है। उनका न्याय से उनका तात्पर्य है सिर्फ किसान और रोजगार, उनको न्याय दिलाने के बाद, अभी तो उनको ही दिला पाए हैं, बाकी लोगों पे उनका नहीं है। एजुकेशन के मुद्दे पे ना कोई पार्टी, दोनों पार्टियां कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, हेल्थ पे कोई नहीं कर रही। तो मेन मुद्दे इस चुनाव से बिल्कुल अलग हैं, सिर्फ राष्ट्रीयता और अन्य मुद्दों पे ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। फिर से अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं ये लोग, इनके मुद्दे अलग हैं, इनकी सोच अलग है। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, दिल्ली से उन्होंने जब दिल्ली में अपना अपनी पार्टी का आगाज किया था, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़कर चुनाव लड़कर आ गए। अब इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से बोला है कि हमको भी सपोर्ट करो, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, दोनों मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं। ये क्या सिनेरियो है? क्या इसके बाद अरविंद केजरीवाल के फैन फॉलोइंग में कुछ कमी आएगी? अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बहुत अच्छी बढ़त बनाई थी और सरकार बनाई, लेकिन इसके बाद आपने देखा कि आप पार्टी का धीरे धीरे उनकी टीआरपी उनकी गिरी, जनता के प्रति के बीच में उनकी जो एक गुडविल थी वो कम हुई है। तो ऐसे में अब जो है अरविंद केजरीवाल का जो थॉट है अगले विधानसभा चुनाव को देखना है। अब लेकिन लोकसभा में भी अपनी पोजीशन बना के रखने के लिए मोदी का तो विरोध करके वो आए थे, तो ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन ये है कि जिन लोगों ने जो लोग केजरीवाल को जिस जुड़े थे वो लोग ऐसा नहीं कि इसमें इस चुनाव में अगर केजरीवाल कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तो हट जाएंगे। उदय जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए थे कांग्रेस, अब उन्हीं से उन्होंने हाथ मिला लिया है सत्ता सुख के लिए, तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जो फैंस हैं वो उनसे दूरी बना लेंगे? चूंकि विधानसभा में अलग मुद्दे रहते हैं चुनाव में और लोकसभा में अलग रहते हैं, तो सिर्फ कांग्रेस से हाथ मिलाने के कारण कोई उनका साथ छोड़ दे ये तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो केजरीवाल की लोकप्रियता और आप पार्टी की लोकप्रियता उस समय थी वो अब कम हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये डर है कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव में उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन लोकसभा में अपना अस्तित्व बनाए रखना है, अपने आप को दिखाना है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। तो लोगों के जो मुद्दे हैं कि आप कह रहे कि लोग उनके जो वोटर हैं उनका साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, वोटर इन मुद्दों पर, क्योंकि लोकल मुद्दे उनके अलग थे जिनके आधार पर वो सत्ता में आए, लोकपाल जैसा मुद्दा था जो राष्ट्रीय मुद्दा था जिस पर अभी सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो ऐसे मुद्दे में कहीं ना कहीं कुछ लोग केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट करेंगे जो लोकपाल को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको सपोर्ट नहीं भी करेंगे क्योंकि उनका जो है उनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ थी वो कम हुई है, पहले जो थी और अब के मुकाबले में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी पर लोग नापसंद करने लगे हैं, तो इसलिए ये असर पड़ेगा। इस चुनाव में नए चेहरों की अगर बात की जाए, युवा नेताओं की अगर बात की जाए, वो कितना असर डालेंगे राजनीति पर? युवा नेता में मेरे ख्याल से आप कन्हैया रावण और ये इस तरह के नेता, ये लोग सिर्फ बयानबाजी से नेता बने हैं, सिर्फ आंदोलन करके नेता बने हैं, तो ये नेता ज़्यादा असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि नेता वो चाहिए, युवा नेता जो ग्राउंड लेवल पर जिसने काम किया, और ये ऐसे नेता नहीं है। तो सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर इनको वोट मिल जाए ये संभव नहीं है। कुछ लोग हैं कि जिन्होंने काम कहीं और किया लेकिन आज चुनाव कहीं और से लड़ रहे हैं, कन्हैया दिल्ली में पूरा उन्होंने बयानबाजी सब आंदोलन किया लेकिन अब बिहार से लड़ रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को फ़ायदा नहीं मिलना है, इनके लिए चुनौती है। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ये बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं, और यदि हार गए तो इनको अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल होगा, दोबारा साबित करना और खड़ा होना मुश्किल होगा। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दे खास हैं और कौन कितना असर डालेगा, इस बारे में हम बात कर रहे थे उदय प्रताप सिंह से, और भी आगे हम राजनीति पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों के पीछे की हकीकत जानने के लिए बने रहिए TripleDotCom पर।